प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलाताल में अपना इलाज कराने आए उत्तम सिंह राजपूत ने डॉक्टर पीके सिंह राजपूत प्रभारी चिकित्सक अधिकारी बेलाताल द्वारा इलाज किया गया। कुछ दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध न होने के कारण मेडिकल स्टोर की दवाइयां लिख दी गईं। दवाइयों को मेडिकल स्टोर से खरीदने गए जितेंद्र सिंह को बंदूक थमा दी गई। जितेंद्र सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलाताल में मोबाइल फोन पर मस्त हो गया। अचानक संतुलन बिगड़ जाने के बाद बंदूक नीचे गिर गई और बंदूक में भरी गोलियां चल गईं, जिसमें अस्पताल में तीन लोगों को गोली लग गई, जिसमें मयंक उम्र 10 वर्ष लमौरा से, राजकुमारी उम्र 45 वर्ष दलित बस्ती से, कुलदीप व्यास उम्र 25 वर्ष मबैया से। मौके पर पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश सिंह, उप निरीक्षक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ ब्रजेश सिंह भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। मयंक उम्र 10 वर्ष पुत्र हीरत सिंह यादव लमौरा अस्पताल के सामने दुकान पर अपने माता पिता के साथ सामान खरीद रहा था कि अचानक मुंह नाक के बीच गोली लगते ही गिर पड़ा। राजकुमारी उम्र 45 वर्ष पत्नी काशी दलित बस्ती बेलाताल अपना इलाज कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलाताल आई थी। परिसर में खड़ी थी कि दाएं पैर की एड़ी में गोली लगने से मौके पर ही गिर पड़ी। कुलदीप व्यास उम्र 25 वर्ष पुत्र गिरधारी लाल मवैया अस्पताल के बाहर लैब में खून की जांच करवा रहा था कि बाएं हाथ की कलाई में गोली लगी। उत्तम सिंह राजपूत सफाई कर्मी प्रतिनिधि प्रधान बगवा जितेंद्र सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलाताल में डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते तीनों को झांसी जिला अस्पताल महोबा रिफर कर दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलाताल में गोली चलने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कई मरीज बगैर इलाज कराए अन्य अस्पताल में इलाज कराने के लिए चले गए।